जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. दिस इज़ प्रगति पांडे, योर मैथ्स टीचर. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव गॉन थ्रू द अदर टॉपिक्स लाइक एडिशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ इट्स टाइम टू डू द multiplication of algebraic expression. So first thing is that in multiplication we should remind that what is the coefficient of the numbers. So what is the coefficient? We should know that what is the term coefficient. मैंने पहले बताया, मान लीजिए कोई number है, लिखा हुआ है 6xy. 6xy लिखा हुआ है तो इसमें दो तरह के coefficient हैं, एक न्यूमेरिक कोफिशियंट है और एक लिटरल कोफिशियंट है. न्यूमेरिक मींस नंबर वाला कोफिशियंट और लिटरल मींस अल्फाबेटिकल कोफिशियंट. ये चीज़ मैंने पहले आपको बताया था. सपोज 6xy इज देयर, 6 इज न्यूमेरिक कोफिशियंट वाइल xy इज लिटरल कोफिशियंट. सो कोफिशियंट क्या है ये हमें देखना होगा, साइन क्या है इसको हम नहीं भूलेंगे, और ये दोनों चीज़ें हम दिमाग में रखते हुए मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मैंने आपको पहले बताया मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं एंड पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं. अगर किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म है तो वो मोनोमियल होता है, दो टर्म्स हैं बाइनोमियल, थ्री टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, मोर देन टू टर्म्स को हम पॉलीनोमियल भी कहते हैं. अ क्विक रिविजन ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड पॉलीनोमियल देखेंगे. मोनोमियल में एक टर्म का ही हम कह रहे थे, जैसे लाइक 6x, 6xy, 6a स्क्वायर b, -9, दीज आर मोनोमियल. बाइनोमियल में दो टर्म्स होते थे. टर्म क्या होते हैं? जो प्लस और माइनस से डिवाइड होते हैं, जो सेपरेट किए जाते हैं प्लस और माइनस साइन से, वो टर्म्स होते हैं. तो 6x प्लस 5y आप देख रहे हैं, 6x एक टर्म है और 5y दो टर्म है, यानी दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल इसे कहा जाता है. ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होते हैं, क्वाड्रिनोमियल में चार टर्म्स, और ऐसे ही पॉलीनोमियल में मोर देन टू टर्म्स को हम पॉलीनोमियल की कंडीशन में रखते हैं. ये चीज़ हमें याद है. अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है इसको देखेंगे. पिछला चैप्टर जो हमारा था उसमें हमने पहले देखा था कि कैसे हम लॉज हमने देखे थे कि हम किस तरह से लॉज को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंट्स को किस तरह से हम लॉज के थ्रू सॉल्व करते हैं. सो लेट्स सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बेसिकली स्टूडेंट्स, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन We usually apply two rules, two simple rules are there. जिसमें क्या होता है, पहला रूल क्या है, product of two quantities of same sign is positive and product of two quantities of different sign is negative. Suppose दो हमारे पास दो algebraic expression हैं, एक का sign positive है और दूसरे का sign negative है, तो हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव होगा. आपको ये चीज़ पहले से पता है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है, अगर दोनों को एक साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव ही होती है. पॉजिटिव इंटीजर है, इसको अगर नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको पता है वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है. माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, आंसर प्लस होता है. प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, आंसर प्लस होता है. मतलब अगर सेम साइन के होंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, अगर साइन डिफर होंगी तो हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव होगा. इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे. इन मल्टीप्लिकेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एक्सपोनेंट वी हैव सीन दैट इफ 3 हैज़ पावर 4 and it should be multiplied with 3 has power 2. अगर इस तरह की कंडीशन है कि 3 पे पावर 4 हो, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 पे पावर 2 से, तो हम क्या करते हैं, बेस. दिस इज़ कॉल्ड एज बेस एंड दिस इज़ पावर.
ये बेस होता है हमारा और ये हमारे पावर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो हम बेस को सिंपली लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर लेते हैं, 4 + 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 पे पावर 6। ओके, अगर बेस सेम है, मान लीजिए अगर 3 पे पावर 2 है मल्टीप्लाई 4 पे पावर 2 है, तो ये हमारा जो ये लॉ है ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे 3 × 3 × 4 × 4 करके सॉल्व करना पड़ेगा। 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा, इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा अगर हमारा बेस डिफरेंट है, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तब तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर बेस सेम है जैसे इसकी कंडीशन में तो पावर सिंपली ऐड हो जाते हैं। अब इस इन लॉस को हम अपने दिमाग में रखते हुए फर्दर कैसे क्वेश्चंस करने हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये देखेंगे। ओके, नाउ द थिंग इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म। अगर सिंगल टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, देखेंगे एग्जाम्पल, आप देखेंगे 7ab / 6a, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, नंबर वाले को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 7 × 6। अब ए बी ए है, ए ए से मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, हमारे पास बी बचा, मतलब 7 × 6 = 42, ए मल्टीप्लाई ए, ए पे पावर 2 मल्टीप्लाई बी, और इसको हम लिखेंगे 42 ए पे पावर 2 बी, इस तरह से। तो 7ab था, ये वन टर्म है, और वहीं पर 6a है, ये भी सिंगल टर्म है, दोनों सिंगल टर्म्स थे, यानी ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। जब दो मोनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम न्यूमेरिक वैल्यू को वैल्यू से, मतलब लाइक वैल्यूज को लाइक वैल्यूज से करेंगे, लाइक 7 को न्यूमेरिक वैल्यू से, ए को ए से, बी को बी से, यहाँ बी नहीं है तो इसलिए हमने बी को ऐसे सिंपली रख लिया है। 7 × 6 = 42, ए मल्टीप्लाई ए, ए पे पावर 2 मल्टीप्लाई बी, ए पे पावर 2 को हम ए स्क्वायर भी कहते हैं, स्क्वायर मीन्स होता है डबल, स्क्वायर मीन्स होता है डबल। अगर ए पे पावर 3 है तो हम इसको कहते हैं ए क्यूब, क्यूब मतलब होता है 3, स्क्वायर मीन्स 2। तो अगर मैं कहती हूँ, मान लीजिए 42 a² b, 42 a पे पावर 2 b, अगर इस तरह से हम कहते हैं 42 a पे पावर 2 b, तो आप समझ जाइएगा कि 42 a² b, तो इसमें इस समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 42 a² b या तो हम बोलें या तो 40 a पे पावर 2 b, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। ओके, अगर a पे पावर 2 है तो a स्क्वायर भी पढ़ा जा सकता है, a पे पावर 3 है तो a क्यूब भी पढ़ा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज 7.2। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6a² + 6a⁴। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 6a² + 6a⁴। तो हमने पहले बताया कि न्यूमेरिक वैल्यू से a को a से करेंगे, तो 6 है, 6 × 36, a पे पावर, देखेंगे ये सेम बेस a है, ये भी सेम बेस a है, a पे पावर 2 और 4 है, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, 2 + 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 36 a पे पावर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, −7a⁴ × 6a⁴। आपको पता है पहला नेगेटिव है 7 और 6 पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इजी है, इसको करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ आल्सो सेम असाइनमेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है असाइनमेंट वर्क। हिंट ले लीजिए 4 के लिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 6 × 4 = 24, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5 × 5 = 25, यानी 24/25 हो जाएगा, 24/25,
एक्स एक्स सेम बेस पावर्स ऐड हो जाएंगे एक्स पे पावर 5। ध्यान देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो असाइनमेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखेंगे यहाँ पे 16x2y है मल्टीप्लाई x2y2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम लेंगे। इसको अच्छा देख लेते हैं इसको हिंट में। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस 16 है यहाँ कुछ नहीं है 1 होगा 16 1 जा 16 एक्स स्क्वायर वाई देखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स है देखेंगे x पे पावर 2 यानी x पे पावर 4 एक्स 2 2+2 हो जाएगा और y पे पावर 1 है y पे पावर 2 है y पे पावर दोनों पावर हो जाएंगे 3 यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये। कभी भी जब भी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू से एक्स को एक्स से वाई को वाई से ही करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 16 को 1 से किया एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया एक्स पे पावर 4 हमें मिल गया वाई पे 1 था वाई पे 2 था वाई पे कुछ नहीं है तो 1 हम मानते हैं तो इसको वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से आप भी करेंगे सेम वैल्यूज़ को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो असाइनमेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 अप टू क्वेश्चन नंबर 10 दिस इज़ योर असाइनमेंट वर्क एंड नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू क्लास।